सहाने अबायास एंड हिजाब सेंटर। यहाँ पर तमाम ब्रांडेड और बेहतरीन क्वालिटी के हम अकसाम के ब्रांडेड बुरखे और हिजाब कम से कम और वाजबी दामों पर दस्तियाब है। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं, हमारी शॉप तिलक रोड एबिट्स पर मौजूद है और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8125361079। तो अस्सलाम वालेकुम मौसीस नाज़रीन, 18 तेलंगाना न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आवारा कुत्तों का राज मासूम बच्ची पर कर दिया हमला, 18 बकरियों को मार दिया। वादी मुस्तफ़ा जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी आवाम ने गुस्से का इजहार किया और जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी से गुजारिश की है कि कुत्तों को यहां से निकाले। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर उमेर की ये खसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा व अहम तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए AET तेलंगाना न्यूज़ को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। छोटी बच्ची है, गली में खेल रही थी, आगे स्पीड में कुत्ता आके बच्ची को काट के हाथ पकड़ के खींच के लेके चले जा रहा था। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, जीना हम माहौल अगर बच्चों का, अब निकल नहीं सकते घर से, बच्चे कुछ भी नहीं बाहर, बच्चे हमारे छोटे छोटे कान जाएंगे, घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे। इतना बड़ा हमला हो गया बच्ची के संगात, हमारे कोई आए नहीं, देख रहे नहीं, यहाँ पर कंप्लेंट आ दी है। बच्ची हमारी दुनिया परेशान है, बच्ची के एक तो बाबा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान है। बच्ची के वालिद साहब भी 2 साल पहले छोड़ के चले गए, तो बच्ची के इतना मजबूर है, बच्ची है कोई बच्ची का देखने वाला नहीं है, बच्ची को सख्त से मदद की ज़रूरत है। बच्ची को बहुत परेशान है, बहुत परेशान होकर दवाखानों से लेके फिरे बच्ची को। ये कुत्ता जो है दिन के टाइम पे आपके बच्चे को काटा, दिन के टाइम पे काटा या 4 बजे के टाइम पे काटा। कुत्ते फिर रहे होंगे, ये बहुत कुत्ते हैं, 8 बजते की यहाँ पर कुत्ते बहुत आ रहे हैं, यहाँ पर 8 बजते की फिर गलियों में फिर रहे, हम लोग बच्चों को तो बाहर नहीं निकाल सक रहे। बच्ची को कल ही शाम में 4 बजे के टाइम पे काटा बच्ची को कुत्ता, हम बहुत दवाखाने लेके फिरे, कहीं हमारा उतना पैसा भी नहीं, प्राइवेट में इलाज कराया जैसा बच्ची को, हम गवर्नमेंट में बहुत लेके फिरे बच्ची को। कंप्लेंट हाँ दिए थे, कोई पहाड़ी इसमें दिए सब जगह दिए, कोई भी कुछ भी नहीं कर सक रहे, यहाँ पर हम बहुत परेशान हैं, कोई भी देख रहे नहीं, आ रहे नहीं, यहाँ पर कुछ एक्शन लियो आप लोग। हादसा कर दिया, पूरा दांतों में पकड़ के खींच के लेके जा रहा था, अच्छा हुआ मैं निकली बोल के पकड़ी, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर खींच लेके जा रहा था बच्ची को कुत्ता, अगर नहीं देखो तो बच्ची के हमारे कल जान चली जाती थी, बच्ची ठहरी भी नहीं रहती थी हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं वादी मुस्तफ़ा से बोल रही हूँ। कल मेरी बच्ची को कुत्ता काटा, कल 4:30 बजे के टाइम पे, बहुत परेशान हूँ मैं, ये बच्ची को हर यहाँ पर दवाखाना को लेके गई थी मैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ले गई, प्राइवेट में डालने के लिए, मगर पैसा नहीं था, मेरे शौहर भी नहीं है, 2 साल हो गया छोड़ के चले गए, बच्ची को मेरे को बच्चों को 2 लड़कियाँ हैं, मेरे को देखने करने वाले कोई भी नहीं है, मेरे वालिद के पास ही छूँ मैं, वालदा मेरे माँ बाप के पास ही छूँ मैं भी, बहुत परेशान हूँ, मेरे हाथ में मेरे पैसा भी नहीं है, मेरे बच्ची को मैं कौन से प्राइवेट दवाखाने में लेके जाऊँ, मैं कल से बहुत परेशान हूँ। मेरे 4 साल की है बच्ची मेरी, मैं बहुत परेशान हूँ जी, हाँ पूरा हाथ पे पूरा, यहाँ पर आँखी के पास भी काटा कुत्ता, पूरे रात तमाम बच्ची मेरे को भी सोने नहीं दी, बच्ची अपन भी नहीं सोई, बच्ची पूरी बेचैन हुई रात तमाम बच्ची मेरी पूरी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भी मजल्ली लेके भागी नहीं तो कुत्ता मेरी बच्ची को कल कहाँ लेके चले जाता था कि मेरे को खुद नहीं मालूम। कार्रवाई करिए आप लोग कुत्ता के पीछे, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे शौहर भी नहीं है, मेरे को देखने वाले भी कोई भी नहीं है, मेरे को मेरे माँ बाप के पास ही छूँ मैं, 2 साल से 2 लड़कियाँ हैं मेरे को, 4 साल की और 2 साल की बच्ची है जी, प्लीज़ मेरी जल्द से जल्द मेरी मदद कीजिए आप लोग, और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्ची के साथ में आज यही हुआ ऐसा, कल के दिन और बच्चों के साथ में किसके भी साथ में नहीं होना ऐसा, सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, मेरे को सब पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है कि ये कुत्तों के पीछे कुछ कार्रवाई करिए आप लोग, आज मेरी बच्ची के साथ में हुआ, कल और किसी बच्ची के साथ में नहीं होना ऐसा प्लीज़। मैं मेरे 2 बच्चियों को देख के जी रही हूँ, मैं मेरे शौहर तो नहीं है, 2 साल हो गया उन्हें छोड़ के चले गए, कल बच्ची को मेरे ले लेके कहाँ से ले आता था कि कहाँ ढूंढना पड़ता था कि बच्ची को मेरे, प्लीज़ सख्त से आप सबसे कार्रवाई, ये मदद है कि जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरी जो भी हो सका आपने मेरी मदद की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, ये आपके पास दाद पीरियाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है साहब, लाख पल से यहाँ पर बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते, बच्चे खेलते कूदते रहे तो आके कुत्ते हैं तो यहाँ पर बहुत हो गए साहब, इतने कुत्ते हो गए जितनी हद नहीं है, उतने कुत्ते होने की वजह से यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है साहब, छोटे बच्चे खेल नहीं सकते, ना कूद सकते, ना जा सकते, ना आ सकते, मेहरबानी होती साहब आप लोग ज़रा इसके मतलब से एक्शन लीजिए साहब, कुछ भी कीजिए, गली में कुत्ते बहुत हो गए साहब, इतने कुत्ते हो गए बोल नहीं सकते, आपकी मेहरबानी होती साहब, बस शुक्रिया साहब अल्हम्दुलिल्लाह। इतने साल से है बाबा, ना मोहरी है घर को, ना तो कुछ नहीं है, मच्छरान से बच्चों की 2-2 दिन की तबीयत ख़राब हो रही, फिर कुत्ते अलग तंग कर दे रहे हैं, बच्चों को जानवरों को फाड़ दिए, दुनिया के जानवर फट गए हमारे पास के,
जंगल है बल के पाल लिए, छोटे छोटे बच्चे है, कैसा तो भी जीने के बल के बोले तो वैसा बच्चे कुत्तों को फाड़ दिए, बोले तो बच्चों का लंबर आ गया। जरा मेहरबानी होती इधर का भी ख्याल करो गरीब लोगों का, वोट लेते बरोबर डालते आप लोगों को, नहीं तो किसको दूसरों को डालेंगे क्या? काउंसलर कौन है यहाँ पे कोची पार्टी के? अबरार फैशन फैब्रिक्स मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिगजाम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी सदरी, कुर्ता पजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में, बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। बदलते फैशन के हम कदम अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी आलम रोड, हैदराबाद।